पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। बेटा साईं के पास जा रहे हैं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं, कुछ मिठाई ले लो। जी बाबा। ये मोदक ताजे? जी साहब, बस अभी बनकर आए हैं। कैसे भी? 2 रुपए के। सारे बांध दो। जी। प्रभाकर, ये क्या कर रहे हो? इडी बांध रखो। जी। माफ कीजिएगा साहब, ये मोदक तो किसी और ने बनवाए हैं। और कोई मिठाई ले लीजिए, ये मोदक आपको नहीं दे पाऊंगा। ये नहीं दे पाऊंगा मतलब? यदि नहीं बेच रहे तो ये सजा के क्यों रखा? काका, मोदक तैयार है? जी, यही है वो, इन्होंने ये मोदक बनवाए। हाँ। इन्होंने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए, जबकि मैं आपको पैसे दे चुका हूं, इसलिए इन मोदकों पे अधिकार मेरा है। ये क्या बात है, बनवाए तो हमने थे, आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बेटा, हम दूसरी और कोई मिठाई ले सकते हैं। नहीं बाबा, मोदक ताजे हैं और मैं इसके पैसे दे चुका हूं, ये मैं ही लेके जाऊंगा। काका, आप कुछ कहते क्यों नहीं? देखिए साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये मोदक आपको नहीं दे पाऊंगा, आप कोई और मिठाई ले लीजिए, सबकी सब ताजी है, आप चिंता मत कीजिए। नियमों के अनुसार जो पहले पैसे दे दे सामान उसका होता है, यदि तुमने नियम तोड़ना है तो तोड़ दो, परंतु मैं इस क्षेत्र का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हूं और मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा सकता हूं और मेरे सामने कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। गौरी, आप लोग इनसे बात कीजिए और आप लोग तय कर लीजिए, मैं इनसे ज्यादा बहस नहीं कर पाऊंगा। तुम बहस कर भी नहीं सकते क्योंकि गलत हो तुम। आप कुछ कहते क्यों नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जाने दो गौरी, एक काम करो, तुम कोई और मिठाई ले लो, छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा क्यों करना? बात सही और गलत की है, आप तो कभी कुछ कहते ही नहीं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।